हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम बना रहे हैं आज पॉटिंग मिक्सर। तो हम गमले के लिए कैसे मिट्टी तैयार करते हैं, तो ये बालकनी गार्डन के लिए मैं मिट्टी तैयार कर रही थी। तो ये बालकनी गार्डन के लिए मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो मेरे प्लांट्स बहुत ही हेल्दी हैं, तो सोचा मैं मिट्टी मिक्सर कैसे बनाती हूँ, मैं इसकी जो भी है ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं हल्दी लेती हूँ, सैंड और सरसों खली या नीम खली कुछ भी आप ले सकते हैं। ये मिट्टी है जो 60% मिट्टी है, और कोई भी कंपोस्ट ले लीजिए 20 या 30%, और कुछ ड्राई मैटर ले लीजिए। कंपोस्ट मतलब किचन कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट, आप कोई भी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सूखे पत्ते या ड्राई मैटर कुछ इस तरह से नहीं है, तो आप इस तरह से कुछ कार्डबोर्ड की पीसेस कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है, तो आप न्यूज़पेपर या नॉर्मल कोई भी पेपर ले सकते हैं। बस हमें इंक वाले पेपर का यूज़ नहीं करना है, जो प्रिंटेड बहुत ज़्यादा होती है कलरफुल। नॉर्मल न्यूज़पेपर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कार्डबोर्ड को आप ऐसे कुछ तरह छोटे छोटे पीसेस में फाड़ लीजिए, कट कर लीजिए, जो भी आपको इजी लगे। और हमें कुछ ब्रिक्स के टुकड़े चाहिए। आप किसी ब्रिक्स गमले या इस तरह का मिट्टी का कोई भी बर्तन होता है, आप उसके टुकड़े ले सकते हैं। तो ये हमने सूखी पत्तियाँ ले लेनी है, और हम इसमें थोड़ी सी सैंड मिक्स करेंगे। और ये मेरी मिट्टी है जिसमें कंपोस्ट मिला हुआ है थोड़ा, और ये सरसों खली ऐड किया, और 2 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। तो हल्दी डालने से हमारे पेड़ पौधों में कभी भी फंगस का प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसे सिर्फ जो हमारे प्लांट्स के लिए अच्छे वॉर्म्स होते हैं, ये सभी आएंगे। जो भी अनहेल्दी कीड़े मकोड़े हैं, वो हमारे पेड़ पौधों को ख़राब नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप मिट्टी मिक्सचर बनाइए, आपके प्लांट्स बहुत ही हेल्दी रहेंगे। तो इस तरह से जो मोटे मोटे टुकड़े हैं, इसको थोड़ा मैंने तोड़ लिया है, मिट्टी को बारीक कर लिया है। तो ये जो सूखे पत्तियाँ हैं, धीरे धीरे इसी में गल जाएंगी, और इससे हमारी मिट्टी भी बहुत हल्की रहेगी। तो आपको इसकी जगह लोग कोकोपीट यूज़ करते हैं, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। मिट्टी को हल्की तो करती है, लेकिन और कुछ नहीं। अगर आप सूखे पत्ते ऐड करेंगे, तो मिट्टी को हल्की भी करेगी और आपके पेड़ पौधों को पोषण भी देगी। तो हमने एक पॉट में एक होल किया है, और इसमें एक गमले का टुकड़ा रखा है, और फिर कुछ ब्रिक्स बिछा देंगे, और फिर कुछ सूखी लकड़ियाँ। तो इससे हमारा पानी बिल्कुल नहीं रुकेगा। और जो ये हमने ब्रिक्स बिछाई है, ये पानी को होल्ड करती है, अगर आपसे एक्स्ट्रा गिर गया है तो। और अगर आप पानी नहीं डाल रहे, तो फिर पौधे उन्हीं ब्रिक्स से अपने पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो इस तरह से कुछ ड्राई मैटर और कार्डबोर्ड जो भी आपके पास है डाल दीजिए, थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए ताकि कोई भी फंगस ना लगे, और नीम खली थोड़ा सा आधा चम्मच ऐड करेंगे। और उसके बाद सबको अच्छे से दबा देंगे हम, और ऊपर से फिर जो हमने ये मिट्टी तैयार की थी, हम इस मिट्टी को डाल देंगे। तो इसी तरह से आप अपना कोई भी गमला तैयार कर सकते हैं, चाहे वो टेरेस पे हो या घर में या बालकनी में, कहीं भी रखना है आपको। तो ये नीचे हमने जो भी ड्राई मैटर डाला है, वो धीरे धीरे गल के कंपोस्ट बन जाएगा, उससे हमारे पौधों को कोई हार्म नहीं होगा। तो इस तरह से आप अपने पॉट्स को फिल कर सकते हैं। तो देखिए हमने कितनी अच्छी मिट्टी तैयार की है, कि हम पानी डालेंगे और ये पानी तुरंत निकल जाएगा। तो हमें ऐसा ही चाहिए, एकदम वेल ड्रेन पॉट मिक्सचर तैयार किया है हमने, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि आप पानी डालें और तुरंत वो निकल जाए। पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए, और ये कई दिनों तक ऐसा रहेगा। अब इसमें आप कोई भी अपना पौधा लगाइए, प्लांट लगाइए, बहुत ही अच्छे से चलेंगे। तो मैंने कुछ ये कटिंग्स लगा दी हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।